हेलो स्टूडेंट्स, कम बैक टू द पार्ट टू ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। आई जस्ट होप जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वहां तक आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। ठीक है, आज हम चैप्टर को और डिटेल में और आगे पढ़ेंगे कि और डेप्थ में और टॉपिक्स हमारे पास चैप्टर में क्या है। ठीक है, चलो तो आज का वीडियो फिर शुरू करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। चलो भाई, ओके। तो सबसे पहले मैंने रखा है फॉर्म्स ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन, मतलब जो रीजनल इंटीग्रेशन है वो कौन कौन फॉर्म्स में हो सकता है, इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है ये है अग्रीमेंट्स, अग्रीमेंट सीकिंग टू लिबरलाइज ट्रेड over a smaller set of countries with preferential arrangements among themselves are called regional events. तो कह रहे कि देखो, जो भी agreement होते हैं जिसमें trade को liberalize करने की बात की जाती है कुछ countries के बीच में, उसे क्या कहा जाता है? उसे regional events कहा जाता है। A number of regional agreements emerged till GATT was completely replaced by WTO. तो कह रहे काफी सारे जो मतलब regional agreements हैं वो आए GATT से पहले, जब तक WTO को उसने रिप्लेस किया। दीज इंक्लूड फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम्स यूनियन, यहाँ पे कस्टम्स यूनियन है स्टूडेंट, कस्टम्स यूनियन एंड कॉमन मार्केट विद डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से कुछ चीजें आई हैं। आगे का है FTA की बात करते हैं। FTA में सबसे पहले हमें समझना है कि FTA का मतलब क्या है। तो ये लिखा हुआ है A free trade agreement is a preferential arrangement which members reduce, remove both tariff and non-tariff barriers to trade between member nations. Okay? तो वो कह रहे हैं कि जो एक free trade है वो क्या है? एक preferential agreement है जिसमें जो जो भी arrangement in which members reduce or remove both tariff and non-tariff barriers to trade between members nation, okay, while retaining barriers to trade with non-members. तो कह रहे हैं कि free trade agreement क्या होता है कि एक तरीके का agreement किया जाता है जिसमें कि जो भी tariff या non-tariff barrier है आपकी जो member country है उनके साथ इसको reduce किया जाएगा, लेकिन जो भी non-member countries हैं उनके साथ proper तरीके से maintain किया। It allows free trade among the member countries but leaves the members to post trade restriction on imports from non-member countries. वो कह रहे हैं कि वो free trade allow करता है किसके साथ? जो भी member countries है उनके साथ, लेकिन but leaves the members to post trade restriction, लेकिन members के ऊपर ये क्या करता है? एक restriction लगाता है किसके ऊपर? imports के ऊपर, जो भी non-member countries से अगर आप import करेंगे तो उनके ऊपर क्या देना पड़ेगा? taxes. As a result, मैं इसमें से पढ़ लेता हूं, एज अ रिजल्ट मेंबर हैव टू मेंटेन कस्टम्स पॉइंट एट देयर कॉमन बॉर्डर्स टू मेक श्योर दैट इंपोर्ट्स डोंट एंटर एट ऑल इनटू द फ्री ट्रेड एरिया थ्रू द मेंबर कंट्री दैट इज लिवाइंग द लोवेस्ट टैरिफ ऑन ईच देम। ओके, इसकी वजह से क्या होता है, जो मेंबर्स हैव टू मेंटेन कस्टम पॉइंट्स एट देयर कॉमन बॉर्डर्स टू मेक दैट इंपोर्ट्स डोंट एंटर एट ऑल into the free trade area to the member country that is levying the lowest tariff on each of them. मतलब उनको ये देखना पड़ता है कि जहां से भी ट्रेड एंटर हो रहा है वहां पे सारे कस्टम पॉइंट्स लगे होने चाहिए, जिससे कि जो भी जो इंपोर्ट जाए मिनिमम ड्यूटी जितनी आप ले रहे हो उसके अंदर आपके फ्री ट्रेड वाले जो कंट्रीज है उनका सामान नहीं होना चाहिए। They also have to agree rules of the origins of a good. If the good originates in a member country, it would be allowed to pass duty free across its border. वो कह रहे हैं कि आपको ये भी देखना पड़ता है कि जो भी goods का origin है वो कहाँ है। तो अगर goods का origin जो है वो आपकी member country के साथ है, जिस country के साथ आपके tie-up है उनके साथ है, तो उस case में क्या होगा? case में होगा ये आपको फिर तब भी उनको क्या करना पड़ेगा? allow करना पड़ेगा कि वो क्या कर सके? trade कर सके, right? आगे क्या कहा है? Addition to its long-standing commitment, multilateral under WTO means and in the line with global trends, in addition to its long-standing commitment to multilateral,
multilateralism under WTO agreements and in line with global trends. India has made use of FTA as a key component of trade and foreign policy, especially from 2003-2004 onwards. Hitherto, India is mainly focused on partnering with other Asian countries and in goods more so than in services. वो कह रहे हैं कि अगर देखा जाए तो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का इंडिया ने काफी ज्यादा फायदा लिया है और 2003-4 के बाद से सबसे ज्यादा फायदा लिया गया है और इंडिया ने पूरी तरीके से कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा जो एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए जाए और गुड्स के केस में ज्यादा किए जाए देन सर्विसेज, राइट। अब यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है, अब बात आगे हमें पढ़ना है। अगेंस्ट द यहाँ पे आएगा against the background of proliferating FTAs and the emergence of mega regionalism, okay, a review of India's FTA is overdue. Any reduction in tariff barriers should spur trade between partners by offering greater market access for firms and encouraging specialization within industrial subsector. वो कह रहे हैं कि इसके अंदर है क्या, FTAs के agreement के अंदर क्या ये समझते हैं। उनका majorly काम वो ये बता रहा है कि जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उन मेंबर कंट्रीज के साथ ट्रेड के बैरियर्स को खत्म करना, जिससे कि जो भी कंट्रीज है उनको एक बड़ी मार्केट ऑफर मिले, एक बड़ा मार्केट मिले जिस मार्केट में वो रह करके क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। आगे का है, हाउएवर द इम्पैक्ट ऑफ FTA ऑन द ट्रेड बैलेंस इज अनक्लियर एज इट मे फेवर वन रीजन ओवर द अदर। सिमिलरली द इम्पैक्ट ऑन वेलफेयर कैन बी अनसर्टेन। वो कह रहे कि देखो FTA का जो प्रॉपर इम्पैक्ट है वो देख पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसमें ये देखा गया है कई बारी एक को ज्यादा फेवर मिलता है और एक को कंपैरेटिवली कम फेवर मिलता है, तो ये भी देखा गया है। आगे का है, FTAs इन रिलेशन टू यूनिलेटरल ट्रेड लिबरलाइजेशन गिव राइज नॉट ओनली टू बेनिफिशियल ट्रेड बट ऑल्सो टू ट्रेड डाइवर्जन। ओके, ट्रेड डाइवर्जन अकर्स व्हेन टैरिफ प्रेफरेंसेस offered under an FTA cause a shift of imports from firms in no FTA member countries to less African firms within the trade block. वो कह रहे कि देखो FTAs के केस में ये देखा गया है कि जो unilateral trade liberalization होता है वो किसी एक कंट्री को ज्यादा फायदा देगा, जबकि दूसरी कंट्री की जो सिचुएशन है उसके अंदर कुछ खास इम्पैक्ट इस केस में नहीं देखे जाते। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद FTA कि हाँ आपने इसको एक अच्छे के लिए अडॉप्ट किया है, बट दैट डजंट मीन कि उससे आपको सही चीजें ही यील्ड हुई हैं हमेशा, राइट। चलो नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है देखते हैं, इम्पैक्ट दे रखा है कि क्या क्या FTA का इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा। इम्पैक्ट ऑफ इंडिया आशियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो स्टूडेंट अगर मैं आशियान की बात करूँ तो आपने सुना होगा इट्स एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। द ट्रेड बैलेंस इंडिया आफ्टर द आशियान FTA बिकेम इवन मोर नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। इंडिया ऑब्टेन द लार्जेस्ट मार्केट एक्सेस इन कम्बोडिया, लाओ, पीडी, मलेशिया, द फिलीपींस, थाईलैंड एंड वियतनाम। इम्पैक्ट एनालिसिस ऑफ इंडियाज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, द कंट्री हैज नॉट इफेक्टिवली मेड यूज ऑफ द ट्रेड एग्रीमेंट्स टू इंक्रीज इट एक्सपोर्ट्स। देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स थ्रू द मोस्ट फेवर्ड नेशंस रूट। वो कह रहे हैं कि इंडिया ने FTA एग्रीमेंट कर लिया लेकिन इससे इंडिया को फायदा एक्सपोर्ट के फॉर्म में होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, जबकि हुआ क्या, इंडिया ने अपने इंपोर्ट्स बढ़ा लिए। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिया कोरिया CEPA मीटिंग स्टेक होल्डर्स रेगुलेटरी बॉडीज एंड ऑफिशियल्स इन इंडिया एंड कोरिया। देयर हैज बीन हेट्रोजीनियस इंपैक्ट ऑन, मतलब मिला जुला इंपैक्ट पड़ा है। इकोनॉमी वाइड इंपैक्ट ऑफ ट्रेड इंटीग्रेशन बिटवीन जापान एंड इंडिया। देयर हैज बीन अ मार्जिनल इनपुट ग्रोथ फॉर इंडिया ड्यू टू टैरिफ रिडक्शंस बिसाइड्स ग्रेटर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया and positive welfare for both countries. Okay. Next step, reassessing impact of ASEAN. ये सारे सिर्फ impact, इतने important नहीं।